हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो देख रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, जिस वजह से मेरा और दूसरा वीडियो जो है आप लोग को नहीं मिल रहा है। सही है, बहुत सारे व्यूअर्स है मेरा वीडियो देख रहा है, वो लोग कमेंट्स किया है मेरे को। बहुत सारे सिस्टर है, बहुत सारे ब्रदर लोग है, तो वो लोग मुझे कमेंट्स दिया है कि सर हम ऑलरेडी गल्फ में मैं काम कर चुका हूँ, अभी हम लोग मुल्क में हैं, हमारे पास अभी जॉब नहीं है, तो हम लोग का अपना कंपनी में कोई चांस है कि हम लोग को जॉब मिलने के लिए? सही है, देखिए हमारा कंपनी बीच बीच में इंटरव्यू करता है, आदमी लेता है, लेकिन वो हमेशा हर टाइम पे नहीं है जो टाइम पे आप लोग मुझे कमेंट्स करता है। सही है, लेकिन हमारा कंपनी छोड़िए, आप यूएई के अंदर बहुत सारे कंपनी है जिसमें वैकेंसी है। अभी आप लोग को मालूम होगा कि कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे बन गया है, बहुत सारे कंपनी का हर महीना कैसे भी एक दो बीआर इंटरव्यू हो रहा है। सही है, कहीं कम इस महीना कोई कंपनी का हो रहा है तो अगला महीना कोई कंपनी का हो रहा है, इधर लाखों कंपनी है, हर महीना में इंटरव्यू आपको कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। सही है, ऐसा नहीं है कि आपको इधर आएगा तो विजिट में आप लोग को जॉब नहीं मिलेगा। और ऐसे भी अपना अपना मुल्क भी जाता है, हर कंट्री में जाता है इंटरव्यू करने के लिए। आप लोग मेरा चैनल में जुड़ा रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा, तो कौन सा कंपनी कौन सा कंट्री कब जा रहा है तो मैं यूट्यूब में अपडेट देता है, जिसको आपको पहले से मालूम हो जाएगा, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, जो आप वो हिसाब से प्रिपरेशन करके वो सिटी में जाके आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। सही है, और बाकी जो हमारा कंपनी का बात है, हमारा कंपनी बहुत सारा आदमी अभी ले लिया है, अभी उस खैर भी मैं इसी चैनल का थ्रू मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। जो भी लोग दोस्त लोग है, कोई इंजीनियर है, कोई सुपरवाइजर है इलेक्ट्रिकल का ऊपर या प्लम्बिंग का ऊपर या मैकेनिकल का ऊपर, तो आप लोग वो टाइम को इंतजार कीजिए जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको उसमें कौन सा कंपनी का किधर इंटरव्यू हो रहा है और कंपनी कैसा है, उसका सैलरी पैकेज कैसा है, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी दुबई में जॉब नहीं है, बहुत सारे जॉब है, विजिट में आप लोग आ जाइए, आके इधर आपको आपको एक्सपीरियंस है तो आप रिटर्नर है तो सही है, फ्रेशर है तो देखिए फ्रेशर आदमी को क्या होता है ना कि जॉब मिलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है कि 2-3 महीना का अंदर में उसको किधर ना किधर मिल जाएगा। सही है, जो फ्रेशर आदमी है उसको इतना जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जैसे यूएई के अंदर कोई सऊदी में काम किया, कोई कुवैत में, कतर में काम किया, ओमान में काम किया, तो वो लोग को जल्दी कंपनी ले लेता है, उनका टैलेंट पहले टेस्ट करता है, देखता है कि वो बंदा उसका काम क्या है। देखिए हर कंपनी में काम अलग अलग है, हम लोग कंस्ट्रक्शन का है या फैसिलिटी मैनेजमेंट का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रिकल का पूरा काम मालूम है या पूरा काम मालूम नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जो क्लाइंट ने हमको इंटरव्यू कराएगा उसका वो किस प्रोजेक्ट के लिए हमको ले रहा है वो काम हमको सिर्फ मालूम होगा तो वो इंटरव्यू में हमको वो पास करेगा, उसको वो हम लोग को ले लेगा उसका कंपनी में। सही है, जैसे उसको हर प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप का काम है, तो उसी रिलेटेड जो आदमी एक्सपीरियंस है, उसी काम किया है, उसी आदमी को लेता है, ना कि पूरा इलेक्ट्रिकल में जितना सारा काम है उसको सब मालूम होगा तभी वो लेगा, ऐसा कभी भी नहीं है। सही है, जो जिस प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है वो प्रोजेक्ट के लिए आपको मालूम है, आपका उसी का ऊपर आपको टैलेंट है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़रूर ले लेगा। तो जितना भी मेरा वीडियो देख रहा है दोस्त लोग, मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जॉब हमेशा है और मिलेगा, सिर्फ कोशिश करना है, ट्राई करना चाहिए हम लोग को, थोड़ा टाइम इंतजार करना है, धैर्य कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, तो आप लोग को कंटिन्यू करेगा तो किधर ना किधर मिल जाएगा। फिर भी आप लोग को लंबा टाइम हो गया है फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप जिस लेवल का है, कोई भी बीटेक किया है, कोई भी डिप्लोमा किया है, बहुत सारे दोस्त लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं हम लोग डिप्लोमा किया है, लेकिन देखिए डिप्लोमा किया है तो हमको डायरेक्ट सुपरवाइजर इंजीनियर का काम नहीं मिल जाएगा जब हम फ्रेशर है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्नीशियन लेवल पर जाना है, पहले आप लोग ये सोचना है कि यूएई के अंदर मेरे को कोई भी कंपनी में पहले मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ। सही है, मैं उस कंपनी में कैसे भी काम स्टार्ट कर दूं, फिर उसमें 6 महीना 1 साल करने के बाद आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, फिर आप 1 साल या 2 साल बाद दूसरा कंपनी चॉइस करके आप सुपरवाइजर में इंजीनियर में भी जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग हमको छोटा से नीचे से ही करना पड़ेगा। आपका मन में ये होगा कि मैं इतना साल मेहनत किया, इतना मैं स्टडी किया, इतना कोर्स किया, इतना पैसा खर्चा किया, मैं फिर भी वो लेबर कैटेगरी में जाऊँ, ऐसा सोच के आप नहीं करेगा तो आपका ही नुकसान है, आपका ही टाइम खराब है। सही है, देखिए आप जिंदगी भर के लिए आप लेबर या टेक्नीशियन ट्रेड पर नहीं जा रहे, आप सिर्फ जा रहे हैं वो फील्ड में, आपका जैसे बोलता है ना आप लोग पढ़ने के टाइम पे जैसे आपको प्रैक्टिकल क्लास होता है, जो आपको आईटीआई आदमी करता है डिप्लोमा करता है उसमें जो फिजिकल काम होता है उसके ऊपर जब ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको यही समझ के आपको इधर 1 साल 2 साल काम करना पड़ेगा, उसका बदल में आपको सैलरी भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको टेक्नीशियन का सैलरी इंडिया में जैसे अपना मुल्क में जैसे मिलता है 15,000 20,000, ऐसा नहीं है, यहाँ का 1,000 1,200 दिराम 1,500 दिराम आपको मिल जाएगा, तो यहाँ का 1,500 दिराम बोलेगा तो 30,000 से ज़्यादा हो रहा है हमारा इंडियन मनी, तो ऐसे अपना अपना मुल्क का आप लोग
लोग देख लीजिए, जो लोग श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश से देख रहा है या यूएई के अंदर भी जो लोग देख रहा है, सही है। तो ये मेरा बोलना यही है कि आपको टेक्नीशियन ट्रेड पे काम करना है, फिर भी अपना मुल्क का सुपरवाइजर का सैलरी आपको मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा कि आप टेक्नीशियन फील्ड में काम करके 6 महीना बाद, 1 साल बाद आपको जब सब कुछ पता चल जाएगा, फिर आप दूसरा कंपनी को रिजाइन मार के जा सकता है। 1 साल या कम से कम 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो पूरा करके भी आप दूसरा कंपनी जा सकते हैं। कोई कोई कंपनी 1 साल का बाद भी छोड़ देता है, कोई कोई कंपनी बोलता है नहीं 2 साल कंप्लीट करो फिर आप चला जाने का। तो 2 साल आप करेगा तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा और आपको कोई भी कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए जाएगा आप हर कॉन्फिडेंस के साथ उसका हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, जिस वजह से आपका पोजिशन और आपका सैलरी ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप लोग ये सोच के बैठेगा कि हाँ मुल्क में है, इतना कौन मेहनत करेगा, इतना कौन ट्राई करेगा, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, ये सब करके हम लोग जॉब ढूंढेगा फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इससे डिप्रेशन में जाने का जरूरत नहीं है। हर चीज़ को मेहनत मेहनत ही चाहिए, मेहनत बिना कुछ नहीं होता है। तो आपको जब स्टार्टिंग में आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, सही है। और जितना भी दोस्त लोग है अपना मुल्क में, आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका हस्बैंड है, जो भी है, वो लोग को अभी जॉब पहले था, अभी जॉब नहीं है, तो वो लोग अपना मुल्क में है, वो लोग को बोलिए आप लोग को एक्सपीरियंस है गल्फ का, तो आप लोग विजिट में चला जाइए, यहाँ के जॉब ढूंढिए, जॉब मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनी में जॉब रहता है, हर महीना इधर इंटरव्यू चलता है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड का थोड़ा काम स्लो डाउन हो गया, लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट में हमेशा जॉब है। आपको आपका काम का ऊपर आपको एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, तो आपको जॉब मिल जाएगा, सही है। लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा अपना जो सैलरी होता है उससे थोड़ा कम में पहले आपको ज्वाइन कर लेने का, फिर उसका बाद में आपको टाइम का हिसाब से आप कंपनी, जब एक कंपनी में रह के काम करने का टाइम, दूसरा कंपनी में आप लोग ट्राई मारते रहने का, जब आपको अपना हिसाब से सैलरी मिल जाएगा, अपना पोजीशन मिल जाएगा, फिर आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेने का, यहाँ रिजाइन कर लेने का, सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में, मेरे आप लोग का बहुत कमेंट में देखा, इसके लिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि मेरा वीडियो देख के आप मुझे कमेंट्स करेगा कि अपना कंपनी में कोई चांस है, तो मेरा कंपनी में हमेशा चांस नहीं रहता है, बीच बीच में रहता है। बहुत सारा आदमी अभी आ गया है, मैं जो न्यूज़ दिया था, अपडेट दिया था, वो लोग उसी का थ्रू बहुत आदमी लोग जॉब इंटरव्यू दिया था, ऑलरेडी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएई में काम नहीं है, आप लोग कोशिश करेगा, आप लोग ढूंढेगा तो आपको मिल जाएगा, यही मेरा बोलना है। बहुत काम इधर है, बहुत कंपनी इधर है, सिर्फ आपको ढूंढना है, बाकी अपना टैलेंट देखना है। और जो फ्रेशर लोग है, ज़्यादा आप लोग दुख करने का जरूरत नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप लोग पहले टेक्नीशियन फील्ड में आ जाइए। और आपको ज़्यादा नॉलेज है, मतलब फ्रेशर यहाँ के लिए है, लेकिन वहाँ आप लोग सुपरवाइजर में काम कर लिया तो फिर आप सुपरवाइजर फोरमैन के लिए ट्राई कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ आप लोग स्टडी किया, आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या आप लोग को इतना जानकारी नहीं है गल के बारे में, फिर तो आप टेक्नीशियन का ट्रेड पर आ जाइए। कोई भी कंपनी जा रहा है वहाँ, अच्छा कंपनी, जिस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है, मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे मेरे को मैसेज कीजिए, ये कंपनी कैसा है, मुझे इधर बहुत सारे कंपनी के बारे में मालूम है, तो मैं पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, नहीं होगा तो हमारा जो एक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें 100-150 आदमी उसमें जुड़ा हुआ है, 100-150 कंपनी में वो लोग काम कर रहा है, वो लोग अपना कंपनी होगा तो वो लोग भी बता देगा कंपनी सही है या सही नहीं है, फिर आप वो कंपनी में आ जाने का, सही है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या बोलते हैं ना कि छोटा सा ही शुरू करने का हर चीज़, जब हमारे पास कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग को ऐसा एक बार में बड़ा किधर भी नहीं मिल जाएगा, नीचे लेवल से हमको स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर आ जाएंगे, क्यों, हमारा जो बैक सपोर्ट है, वो हमारा क्वालिफिकेशन है, हमारा जो मतलब कोर्स है, वो आपको बैक सपोर्ट देगा, सही है। तो उस टाइम आप लोग को फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन शुरू से स्टार्टिंग से आप लोग ये सोच के बैठेगा तो नहीं हो जाएगा। जितना भी मेरा व्यूअर्स है, वीडियो देख रहा है, आप लोग अभी अपना अपना मुल्क में है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि विजिट में आने के लिए, अपना पास इतना पैसा नहीं है तो फिर कोशिश कीजिए, अपना हर सिटी में इंटरव्यू होता है, जो सिटी में आप लोग रहता है वहाँ सिटी में आप लोग को, हर स्टेट का सिटी में ऑफिस होगा, उधर इंटरव्यू होगा, कोई भी कंपनी में आप फर्स्ट टाइम के लिए आ जाइए, सही है। इधर आके 1-2 साल काम करने के बाद फिर अपना जो टैलेंट है, अपना जो सोच है, अपना जो प्लानिंग है, वो फिर आप लोग इधर ट्राई कर सकता है और चेंज कर सकता है, वो भी हो जाएगा। लेकिन शुरू से आप उधर ही बैठे रह के सोचेगा कि हमको ये पोजीशन मिलेगा, ये सैलरी मिलेगा, ऐसा कंपनी मिलेगा तो हम जाएंगे, फिर हम नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, तो फिर आपका टाइम वेस्ट है, आपका फ्यूचर भी ख़राब है, सही है। इधर बहुत सारे आदमी बीटेक करने के बाद भी टेक्नीशियन फील्ड में आया, टेक्नीशियन में 2 साल काम करने के बाद फिर वो लोग आज बढ़िया बढ़िया कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी में सुपरवाइजर इंजीनियर में वो लोग काम कर रहा है, आराम से बैठ के महीना में 1 लाख रुपया इंडिया का, 2 लाख रुपया वो लोग कमा रहा है। तो आप लोग भी वो चांस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 साल मेहनत करना पड़ेगा, सही है। तो चलिए, यही वीडियो में मेरे को यही समझाना था कि बहुत सारे आदमी लोग जो कमेंट्स दे रहा है, बहुत सारे आदमी का कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, और जिसका रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए वीडियो का थ्रू आप लोग
को समझा रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करेगा कि इधर मैं हूँ, इधर मैं 15 साल से हूँ, इधर जो हो रहा है, इधर जो मेरा सामने घट रहा है, वही सिचुएशन सच्चाई जो है वो प्रैक्टिकल है, मैं वही आप लोग को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दूसरा यूट्यूबर जैसा कि मैं सोच के या अंदाजा में कुछ बात करेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, मैं 15 साल से कंपनी में हूँ, 5 कंपनी चेंज कर चुका हूँ, मुझे पता है हर कंपनी में कैसे कैसे आदमी को जॉब मिल रहा है, कभी उसका पोजिशन चेंज होता है, कब वो किस हालत में रहता है, सही है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोग को शेयर किया, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स कीजिए, सही है। थैंक यू सो मच।